अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद फैज़। तो कैसे हैं सब, ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टुडे बेसिकली आज आए हुए हैं बारादरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस टाइम आप सामने देख सकते हैं कि रिवर जो है वो मेरे सामने चल रहा है। सो टीम मेरे साथ मौजूद है। अभी आगे जाते हैं, आगे जाएंगे, आज एक्सप्लोर करेंगे कि बारादरी को बारादरी क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से गुजरे थे फिल वक्त, हमने ये कश्ती बोर्ड देखी है जो कि उस टाइम यूज होती थी। आई थिंक सो ये 10 साल पुरानी है और कंडीशन आप देख सकते हैं। इस टाइम जंगल बियाबान के अंदर ये पड़ी हुई है, रिवर के बिल्कुल साइड पे अक्रॉस। अभी हम आगे जाएंगे और आगे जाके जो है मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम क्या स्टैंडीज है और क्या हालात है। यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी बारादरी का रास्ता वहाँ पे है, वो सामने जाना है हमने। तो फिल वक्त हम बोट से भी जा सकते हैं लेकिन बोट से नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ हम चाह रहे हैं कि लाइक थोड़ा एडवेंचर हो और बाई रोड से ऊपर रोड से जाएँ और रोड से एक्सप्लोर करते हुए इस तरफ लाइक वो बारादरी तक जाएं। फाइनली आपका भाई यहाँ पे आ चुका है। जितना भी रास्ता है ये ऑन रोड है, आप रोड से इजीली आ सकते हैं। बाई रोड से आगे अंदर की तरफ यहाँ पे और सो यहाँ से आप आगे जाएंगे ऊपर और आगे जाते हैं और आगे जो है देखते हैं कि क्या सीन्स होते हैं। सो टू बी कंटिन्यू। रास्ता जो है काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे A to Z मिट्टी है जैसे रेगिस्तान से गुजर रहे हों। ऊपर आ गए और ये देखिए जरा जोसेफ भाई ट्राई कर रहे हैं ऊपर आने की। पे ही यहाँ से बाइक लेके आ रहे हैं। ध्यान से। तो मैं इस टाइम बारादरी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये मुगलिया दौर की सल्तनत में सबसे पहली बिल्डिंग ये बनाई गई थी। और ये जब शाही किला शाही मस्जिद उस टाइम तमीर नहीं हुए थे और ये तकरीबन 500 साल पहले तमीर की गई थी। तो जहांगीर के कब्जा करने के बाद ये जो बिल्डिंग है बेसिकली उनके बेटे हसरो के लिए बनाई गई थी और उनके आने के बाद ये वही जगह है कि उन्होंने बगावत की थी। उनके 300 अफराद के साथ उन्हें यहाँ पर सजाए मौत दे दी गई थी। और आपको पता है कि पहले वक्तों के अंदर वहाँ के कानून और वहाँ की रवायत कुछ इस तरह की थी कि वहाँ पर कोई भी शहजादा भला उसका बेटा अगर कोई भी चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। कोई भी ऐसा काम करता था तो उसको सरेआम जो है उसका सर कलम कर दिया जाता था। सो बेसिकली अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और ये 3 तिहाई जगहों के अंदर से सिर्फ इस टाइम 1 तिहाई जगह जो है गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लोर किया है। बाकी 2 तिहाई जगह जो है वो स्लाब के अंदर आज तक कभी मिल नहीं सकी। यहाँ पे आ गए बारादरी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और रास्ता जो है काफ़ी डिफिकल्ट था। मेरे सामने दरिया रावी चल रहा है, ये सामने इसकी जो है लाइक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये भाई मुझे बताइएगा इसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो। यार ये बारादरी बनाई गई थी शहंशाह हुमायूं के बेटे के लिए। उसने यहाँ पर लाहौर में कंट्रोल संभालने के लिए जो है ना इसको सारी पूरी बहुत बड़ा बाग था सही। जो 1 तिहाई हिस्सा जो है ना दोबारा तामीर किया गया, बाकी सारा ये सैलाब में 1979 में सैलाब वगैरह में ना ये सारा तबाह हो गया था और ये अब जजीरे की शक्ल ले चुके हैं क्योंकि इसमें से इधर उधर के बहुत रास्ते निकाल दिए गए। और ये यहाँ पर जो है ना जहांगीर के बड़े बेटे को गद्दारी करने के उसमें 300 लोगों और उसको यहाँ पे सजाए मौत दे दी गई थी। इस पॉइंट पे ये बेसिकली दरिया रावी के अंदर आता था सारी जितनी भी प्लेस है। तो अभी तो पानी का फ्लो जो है कम है जिसकी वजह से पानी वो नीचे सतह पे जा रहा है, लेकिन जब यहाँ सैलाब आता है तो पानी यहाँ तक भी आ जाता है। सो यहाँ से हम अंदर जाते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। और बारादरी के मनाजिर कुछ इस तरह के हैं। ये जो है बेसिकली पानी के अंदर था क्योंकि जो रिवर है रिवर लाइक यहाँ तक आता था, यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी आता था। अभी तो रिवर का पानी का फ्लो कम है जिसकी वजह से पानी जो है वो कम नज़र आ रहा है। और ये रहा बारादरी। तो मैं आपको अभी वो जगह दिखाने लगा हूँ जहाँ पे 300 अफराद के साथ बादशाह के बड़े बेटे को नबीना कर दिया गया था और उसको 300 अफराद के साथ जो है सजाए मौत दे दी गई थी। सो आप भी सोच रहे होंगे कि फैज़ साहब आप अभी ऐसी कौन सी जगह पे आ गए हैं। ये दरिया रावी के अंदर जो है चारों तरफ दरिया रावी है, उसके अंदर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मिड के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं लाइक पहले यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं बीच यहाँ पे पानी वगैरह था, जबकि यहाँ पे अब वो ख़त्म हो गया। वो यहाँ पे फिल वक्त क्रिकेट हो रही है ये सामने, ठीक है। और ये जितना भी एरिया है लाइक ये 1 तिहाई जो है सिर्फ हुकूमत दरियाफ्त कर सकी है, बाकी 2 तिहाई हिस्सा जो है वो मुकम्मल तबाह हो गया था सैलाबों के अंदर। यहाँ पे थक चुके हैं, खड़े हुए हैं अभी। ये देख सकते हैं छोटी छोटी लाइक गली है और सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ चेक करें कितनी बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ। आप अंदरूर को देख लें, आप किसी लाइक ऐसी जगह पे चले जाए, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, छोटी छोटी तंग तंग गलियाँ मिलेंगी। पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा हमारी आवाम क्या कह सकते हैं, किसी ने आई लव यू लिखा हुआ है, किसी ने अपना नंबर ड्रॉप किया हुआ है, किसी ने कुछ उठा ले रे बाबा किया हुआ है। यहाँ पे शेर व शायरी और आई लव यू सोनू लव पता नहीं वट एवर क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, जो कि लाइक देखा है जो एक गलत चीज़ है। इतनी प्यारी जगह है और इस जगह को जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है विजिटर नहीं आते होंगे, और इस जगह को रेनोवेट नहीं किया गया, और जो दूसरी लोकल आवाम है उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है इस टाइम। जी तो यहाँ से मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ से आप क्लियर व्यू देख सकते हैं। सामने भी दरिया रावी है, उस तरफ भी दरिया रावी है, उस तरफ भी दरिया रावी है, उस तरफ भी दरिया रावी है, और मैं आपका भाई जो है इस टाइम मिड के अंदर खड़ा हूँ। चारों तरफ दरिया रावी है, इस टाइम मिड के अंदर मौजूद हूँ, और बारादरी की ये वो पॉइंट है, यहाँ पे जो है सर कलम कर दिया गया था इस पॉइंट के ऊपर। तो वी हैव अडॉप्टेड द राइट साइड वे, और राइट साइड से हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आ गए हैं। अच्छा जी, राइट साइड से नीचे आते ही ये फ्रेम आपके सामने आएगा। ऑब्वियसली ये वो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था, ठीक है। और हम कह लेंगे एक स्टेप, देयर इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड के बाद इट्स गोना बी द फोर्थ स्टेप, फोर्थ के बाद ऊपर जो है वो फिफ्थ है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं। और तो आप ये देख सकते हैं शोर काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक सो आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। सामने रिवर चल रहा है, और देन यहाँ से आप आते जाएं तो ये चारों तरफ लाइक इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं। तो इस टाइम मैं बिल्कुल दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पे मौजूद हूँ, सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे इस टाइम दरिया रावी चल रहा है, और पानी का फ्लो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है अभी। और वो सामने सगिया पुल चल रहा है, लाहौर में जितने भी विजिटर आते हैं वहीं से सीधा जो है इसी रोड के थ्रू लाहौर में एंटर करते हैं। आगे पानी जो है आई थिंक सो ठंडा पानी बहुत, ये देखो ध्यान से सामने बोटिंग हो रही है। मेरा जहन था कि मैं बोटिंग करूँ, लेकिन बोटिंग जो है वो इस टाइम गर्मी की तपीस काफ़ी ज़्यादा है, और इस टाइम मूड नहीं हुआ बोटिंग करने का। फिल वक्त आप देख सकते हैं ये पानी जो है ना काफ़ी फ्लो कम है, और पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं सारा दरिया रावी है। बारादरी को एक्सप्लोर करना था, बारादरी की जो इन्फॉर्मेशन है और जो उसकी हिस्ट्री है मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद बारादरी में कुछ इतना खास नहीं था, सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा उसका मौजूद है इस टाइम, कि लोग भी यहाँ पे कम ही आते हैं, और साथ ही दरिया रावी लगता है। और दरिया रावी भी हमने जो है वो आपको दिखाया। इन दी एंड मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। मेरी पूरी एफर्ट होती है, पूरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर करूं जो कि लाइफ में मैंने ना देखी हो, और जो मेरी ऑडियंस ने ना देखी हो। पहले लाहौर के अंदर जो बारादरी है बेसिकली लाहौर में सबसे पहले बनाई गई थी, शाही किला से भी पहले। तो ये ज़रूरी था कि हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं लाहौर को, तो ये चीज़ भी दिखाई जाए। 2000 years later जी तो सुबह आ गए थे, और सुबह आने के बाद मैं सो गया था, काफ़ी थक गया था। और अभी भी जा रहे हैं शाज़ेब भाई के पास, शाज़ेब भाई ने इनवाइट किया, वहाँ पे जाएंगे, कुछ खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे और हम खाएंगे। Oh my God! So, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं व्लॉग को ख़त्म करूँगा। होपफुली आज मॉर्निंग में काफ़ी जो एफर्ट किया वो आपको पसंद आएगा इन दी एंड। बाकी वहाँ पे जाते हैं, फिर सीन वहाँ पे जाके दिखाते। जौहर टाउन आए हैं और शाज़ेब भाई जो है वो पैसे निकाल रहे हैं। अभी की सीन हो गया, पैसे नहीं आगे बुरे लग रहे, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तकरीबन 1:20 हो गए, सो फाइनली भी घर आ गया हूँ, और अभी बिल्कुल अंधेरा है, सब सोए होंगे आई थिंक सो, और मे भी भाई जाग रहे हों। अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन्स होते हैं। रात को मैं लेट नाइट जा रहा था, तकरीबन 1 से 1:30 बज गए थे। सो इन दी एंड इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करूँ। हमने सबसे पहले बारादरी को जाके एक्सप्लोर करना था, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमके शाज़ेब भाई इन्वाइट किया हुआ था जौहर टाउन, और वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था, अभी उठा हूँ। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।